संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति
शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, स्वाध्याय शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो। प्राण शक्ति जय जय हो, दिव्य प्राण शक्ति जय जय हो, पिरमिड शक्ति जय जय हो, दिव्य पिरमिड शक्ति जय जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो। सत्य अहिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, सत्य अहिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, मैत्री करुणा जय जय हो, दिव्य मैत्री करुणा जय जय हो, समता शांति जय जय हो, दिव्य समता शांति जय जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से उसी मंच पर उसी समय उतने ही जोश के साथ इस कार्यशाला को लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, जब मनुष्य को ये पता चलता है कि जब वो यूनिवर्स को सरेंडर कर दे तो उसके द्वारा कितने महान कार्य हो सकते हैं, जब आप इस चीज को जान जाते हैं कि आप अपने जीवन के मार्ग में आगे चलने के लिए यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और माध्यम बनाइए अपने आप को उन बड़े कामों के लिए जो इस दुनिया में होने हैं, इस धरती पर होने हैं। हमारे पास आज साथ दो बहनें सुंदर सी अमूल्या और अलिख्या इसी बात का उदाहरण है। उनके द्वारा इतने बड़े काम हुए हैं, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी छोटी सी जान ने इतने सारे काम कैसे कर दिए। माता वसंता शास्त्री और पिता डीएलएन शास्त्री। डीएलएन शास्त्री सर पितामह के साथ मिलकर नॉर्थ इंडिया में जितने भी ध्यान के कार्यक्रम हुए हैं उन सब कार्यक्रमों को सफल बनाने में पितामह के साथ खड़े रहे और प्रचार और प्रसार का कार्य किया। ये कहेंगे कि नॉर्थ में ध्यान डीएलएन शास्त्री की मेहनत के साथ
उनके कार्य उनके साथ आया है। और ये दोनों ब्राह्मण परिवार से साउथ इंडिया से होते हुए इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र नॉर्थ इंडिया बनाया है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि लाइन लाइट में ना रहते हुए पीछे से निस्वार्थ इतने महान कार्य किए हैं। मैं आपको सबसे पहले अमूल्या जी का इंट्रोडक्शन देती हूँ। अमूल्या जी PSSM के साथ 14 साल से ध्यान कर रही हैं और शास्त्रीय संगीत का समकालीन जैज डांसर भी हैं और PMC हिंदी चैनल की मुख्य परिचालन अधिकारी भी हैं। और PMC के जितने भी शो आप देखते हैं उन सभी के पीछे अमूल्या जी का विशेष योगदान रहता है। स्कूल कॉलेज और कॉर्पोरेट में हजारों लोगों को ये ध्यान सिखाती हैं। पिरामिड म्यूजिक मेडिटेशन एकेडमी के साथ इन्होंने पिरामिड वैली इंटरनेशनल में 2 सफल कार्यक्रम आयोजित किए हैं और लोगों को ध्यान के साथ जोड़ने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये कर्नाटक संगीत के भी बहुत अच्छी जानकार है जो संगीत इनके रस रस में नस नस में बसा हुआ है। अब मैं आपको अलेखिया शास्त्री जी के बारे में बताती हूँ। वर्तमान में नए युग की आध्यात्मिक जीवन शैली मीडिया कंपनी वन मीडिया नेटवर्क के द्वारा PMC हिंदी के CEO के रूप में ये कार्यरत हैं और पेशे से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दुनिया के शीर्ष प्रबंधन सलाहकारों के साथ काम करने का इन्हें अनुभव है और साथ में ये एक रणनीतिक प्रबंधन सलाहकार भी रही हैं और इनका झुकाव मनोविज्ञान और दर्शन की तरफ सहज है। अपने अंदर से इनका जो कला निकलती है वो मनोविज्ञान और दर्शन है और ये कुचिपुड़ी नृत्य की भी पारखी हैं। और ये नॉन प्रॉफिट युवा मंच जिस सेंसी इंडिया की को फाउंडर है और हमारी अमूल्या शास्त्री जी भी सेंसी इंडिया की को फाउंडर है और ये लोग स्कूल और कॉलेजेस में जाकर यूथ को सही मार्गदर्शन देने के लिए और पितामह का उद्देश्य जो दवा मुक्त शाकाहार जीवन शैली के साथ ध्यान घर घर ध्यान जन जन ध्यान के अभियान को पूरा करने में निस्वार्थ भावना से लगे हुए हैं और कंप्लीट PSSM को अपना जीवन देने के लिए ये तैयार हैं। आइए मिलते हैं हम दोनों बहनों अमूल्या और अलेखिया जी से। Over to you, Sarika ji. अब आपके लिए। Nothing over to me. It's over to Amulya Jeshna ji. Okay, Amulya. अमूल्या अब हमको करेगी, ध्यान सिखाएगी सबको, जितने भी नए लोग जुड़े हैं सबको अपनी मधुर वाणी में ध्यान करवाएगी अमूल्या। नमस्ते मैम। We can't see your video. Yes. नमस्कार, थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। What a beautiful platform. Thank you so much, Jyotsna ma'am. Thank you so much, Sarika ma'am, for inviting. It's a beautiful platform, such an open platform for all to come. Yes. And thank you. इतना बड़ा introduction के लिए काम करने आया है, बस काम करते रहेंगे, बस यही हमें पता है। जब तक है जान इस शरीर में, मतलब बाकी तो काम कर ही रहे हैं। सो हम सभी को, आप सभी को सच वंडरफुल ग्रेट इवनिंग। आइए बैठकर हम सब मिलकर ध्यान करते हैं, शुरुआत करते हैं, अपने ही पावर को अपने हाथ में लेते हुए। आइए दोस्तों, सभी लोग अपने पैर क्रॉस कीजिए, हाथों को क्लास्प कीजिए और अपनी आंखें बंद करें। आपको म्यूजिक चाहिए कि आप गाएंगे? आप गाइए। और मैं म्यूजिक चलाऊंगी लास्ट में। मैं ओके ओके, यू ऑल आर वेटिंग। सभी लोग अपने चश्मे उतार लें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। सभी लोग
एकदम रिलैक्स्ड हो जाएं, केवल आप और आपकी सांस। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को महसूस करें। हमारा पावर हमारे ही हाथ, हमारा सारा पावर हमारे हाथ में। अंदर आती हम जहां पे हैं, हम जैसे भी हैं, इस क्षण को हम एक्सेप्ट करें। जितना आप म्यूजिक प्ले कर केवल आप
और आपकी सांस।
हम शरीर नहीं, सब आत्मा है। तब जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम सोल नेचर को जान पाते हैं। भूल जाइए आपके आसपास कौन है, क्या हो रहा है। जुड़ने की चाबी है हमारी ये सांस।
हर एक चीज हमारे लाइफ में एक ब्लेसिंग है। हर एक चीज एक ब्लेसिंग है। हम खुद से जुड़ते हैं, खुद से प्यार करते हैं, हर एक चीज को एक ब्लेसिंग देखते हैं। ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, सब एक आत्मा है। शरीर में आए हैं कुछ अनुभव लेने के लिए। कुछ अनुभव लेने के लिए सब कुछ एक ब्लेसिंग है। हमारे पूरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक ब्लेसिंग है। हर घर में इस सत्य पहुंचे। हर घर में इस सत्य पहुंचे। आनंद में जीना। हर एक चीज हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक ब्लेसिंग जैसे ले। हमारा काम यहाँ पे समाप्त है।
5 मिनट कोई भी आंखें ना खोले, गहन ध्यान में हम एक साथ हैं। सदा तू लेना ऐसा दर्द किसी को ना हो, ऐसा तेरे अंदर रन जो आए वैसा ही तन मन बन जाए। ओ अनप सदा तू लेना ऐसा दर्द किसी को ना हो, वैसा तेरे अंदर रन जो आए वैसा ही तन मन बन जाए। दर्द किसी का जो अंदर आए, पल भी तेरा भी वो बनता जाए। जीव जंतु में प्राण है प्यारे, प्राण न ले तो ये जान ले प्यारे। अहिंसा 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 अहिंसा, आजा प्यारे साथ हमारे, कर्म के सिद्धांत को जान। कर्म हमारे हमको बनाए, कष्ट किसी को ना हम पहुंचाए। आओ सारे हाथ मिलाए, जग को ये संदेश सुनाए। शाकाहारी जो जग बन जाए, खुशियों से जीवन भर जाए। अहिंसा 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 अहिंसा, जो तू चाहे वैसा पाए, शुद्धि जो विचार में आए। तन मन दोनों स्वस्थ हो जाए, शाकाहारी जो बन जाए। कदम जो हम ये आगे बढ़ाए, आनंद का मौसम ले आए। पशु पक्षी भी मौज मनाए, आजादी के गीत सुनाए। सांस से अपने जो मिल जाए, शक्ति का तू घर बन जाए। ध्यान में आए
से क्या और दूर जाए इस जग को हम स्वर्ग बनाए स्वर्ग बनाए स्वर्ग बनाए। आखिरी 10 सेकेंड इस धरती को हम स्वर्ग बनाएंगे, हम सभी को सभी तक ध्यान पहुंचाएंगे। आखिरी 5 सेकेंड 5 4 3 2 1 अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें That's awesome. So powerful. I think everybody's eyes are full of tears. It's very powerful, very powerful. Thank you so much. I salute you both. And you know that you're very, very near to my heart. Welcome to your own Parivar, this PSS and Blessings Parivar. We are here for PMC Hindi and we are here make this whole universe a swarg with our Pashupatastra, our PMC Hindi. So over to both of you. Thank you, thank you, thank you. For itne sare logo ke liye energy hold karne ke liye, space bana ke rakhne ke liye, taki सब लोग अपने आप को अनुभव कर सके, सब लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। पीएसएस एंड ब्लेसिंग्स परिवार इज अ यूनिक प्लेटफॉर्म जहां पर हर एक अपने इनर टैलेंट को जिस तरीके से वो सेवा देना चाहता है वो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू सारिका मैम। सो थैंक यू फॉर होल्डिंग द स्पेस फॉर सो मेनी पीपल। थैंक यू अमूल्या। या जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ, can you guys hear us? Yes, yes, we can. Whenever Amulya sings this song, एक आ जाता है। ये लगाने बोल रहे हैं, अभी लगाएं इसको? Yes, yes. But I think it's a little long. So Nisha, maybe we can play it a little later. जैसा आप बोलें। हाँ हाँ। We played it. We'll enjoy that song. We'll all dance to the song. It's celebration. ठीक है, last में। Yes, yes. Yeah. Thank you, Nisha ma'am. Hi, Jyotsna ma'am. Thank you for the lovely introduction. Thanks to the entire PSSM Blessings Parivar. आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। आप ऐसे निष्काम कर्म करते हुए करते हुए करते हुए अपना सेवा दिए जा रहे हैं and perfectly. इतना रिफाइनमेंट आए जा रहे हैं आप सभी में। आप पत्री सर के जो 7 कॉन्सेप्ट्स है उसको 100% आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। थैंक यू। हम आप वी आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू आर आल्सो डूइंग। तो हम सब एक ही बोट में हम सेल कर रहे हैं। जो हम जानते हैं उसको आगे करते जाना है। सो देर इज नथिंग डिफरेंट। हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। एवरी वन इज डूइंग दैट सेम टास्क। पर्पस समझ में आ गया वो कर रहे हैं। एंड ये जो टॉपिक है आज का द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी का जो बुक है, अपनी जर्नी थोड़ा हम शेयर करना चाहते हैं। एज यू कैन सी मी एंड अमूल्या सिस्टर्स, बट एक्चुअली बिफोर सिस्टर्स, हम बाय बर्थ तो सिस्टर्स की तरह आए हैं। But we have come together also as partners, soul family group members to fulfill a purpose. तो हर एक का एक purpose है। तो सबसे पहले जब हम ध्यान में आते हैं and जब हमें समझ में आने लगता है कि अच्छा मेरे अंदर इतने सारे thoughts हैं,
तो धीरे धीरे वो थॉट्स फिल्टर होते 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 एक प्रश्न हमारे अंदर उजागर होता है कि ठीक है मैं ध्यान तो सीख लिया, अब क्या, अब मुझे मेरे लिए एक नई दुनिया एक अलग दृष्टि से मुझे दिखने लगी है, व्हाट डू आई डू विद दिस। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, थैंक्स टू एक सिस्टर के रूप में मुझे एक सोल ग्रुप मेंबर मिला ताकि जो अपने जीवन का पर्पस है उसको फुलफिल कर सके, जैसे हर एक PSSM ब्लेसिंग्स के परिवार का टीम मेंबर कर रहा है। सो द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स जो मैंने एज ए स्टूडेंट एज ए CA स्टूडेंट पढ़ाई करना शुरू किया था व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ मेडिटेशन। तो मैं एक CA स्टूडेंट थी तो मुझे मेरे पेरेंट्स के माध्यम से ध्यान का गिफ्ट मिला एंड उस समय आई ऑलवेज न्यू कि तब तक जब तक मेरे पास वो विजडम नहीं था, ये बुक का जो ज्ञान है जो ये सारे कॉन्सेप्ट है तब तक जो मेरे पास नहीं था, मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें हो रही थी बट मैंने कभी उन दोनों को कोरिलेट नहीं किया। जब मैंने ऐसे बुक्स पढ़े देन आई रियलाइज्ड ओ अच्छा जो मैं सोचती हूँ वही बाहर एक्चुअली हो रहा है, जो मैं बिना कोई विकल्प के पूरी तरह से दृढ़ता जब मैं डिसाइड कर लेती हूँ, मैं उसको विजुलाइज करना शुरू करती हूँ वही मेरे जीवन में हो रहा है। ये प्रिंसिपल मुझे ध्यान के पहले पता नहीं था बट हो रहा था, बट ध्यान में आने के बाद जो विजडम आया ध्यान से, यही प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में एक और 10 लोगों के लिए, मेरे लिए ही पर्सनली नहीं 10 लोगों के लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, ये इस्तेमाल करना हमने शुरू किया। सो अगेन मैंने इसलिए बोला सोल पार्टनर बिकॉज जो भी जो मेजर हम स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट जैसे सेंसे में भी हमने शुरू किया था, सबसे पहले दिल्ली में हम यंगस्टर्स थे, दिस इज अराउंड 14-15 ईयर्स अगो इन 2009, कोई यंगस्टर्स नहीं था, सब एल्डर पीपल ही थे और हम ठीक है दिल से तो सब यंग थे बट हम यही सोचते थे यार हमारे कॉमन जो चैलेंजेस होते हैं, ये आई थिंक 7th-8th स्टैंडर्ड में थी मैं, बस फर्स्ट ईयर कॉलेज में आ ही रही थी, तो हम यही सोचते थे हमारे कॉमन जो चैलेंजेस थे वो किसके साथ शेयर करें। तो फिर व्हाट हैपेंड, खुद से आइडिया आया यस वी कैन क्रिएट आवर ओन टीम, यंगस्टर्स टीम करके, सो दिल्ली यूथ फॉर मेडिटेशन एंड अहिंसा करके हमने डायमा शुरू किया। पायमा है तो कोई बात नहीं, हम दिल्ली यूथ शुरू करेंगे करके। तब कई तेलंगाना में सिर्फ थोड़े से तेलुगु बोलने वाले यंगस्टर्स होते थे तब, मतलब सो दिस इज 2009 या 2009 10 10 11 एक्चुअली टू बी यू आर फर्स्ट ईयर कॉलेज एंड शी वाज इन क्लास 7 आई वाज इन 10th या हमारा 4 साल का एज गैप है बट 5 years का क्लास का गैप है, मतलब इतना ही इतना बचपन आप सब और Before Christ, after Christ, तो पहली बारी हमने एक यंगस्टर्स, हमें नहीं पता था ये पोस्टर कैसे बनता है, ये सारी चीजें जो हम सबका सेम स्टोरी है, वी डिडंट नो आवर क्लास कैसे ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है कुछ नहीं पता, बट हमने ये डिसाइड कर लिया कि करना है, कि यंगस्टर्स को पता होना चाहिए ध्यान इतनी अच्छी चीज है करके सबको पता होना चाहिए। सो आर एक्सपेरिमेंट जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का जो एक फर्स्ट प्रिंसिपल है कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहे बिकॉज उस समय पूरी तरह से आज जो हम काम कर रहे हैं हमें उस समय पता नहीं था कि एक समय आएगा मीडिया चैनल आएगा वो सब नहीं पता था, बट एक इनर इंट्यूशन था और प्रयोग करने की इच्छा थी कि करते रहे ताकि हमें पता चले व्हाट इज इट दैट वी कैन डिस्कवर। तो वी हैड ग्रेट सपोर्ट सिस्टम, सो आर पेरेंट्स और जो भी हमारे नॉर्थ के हमारे दिल्ली के पिरामिड मास्टर थे तो सभी ने सपोर्ट किया। तो रैली में हम चिकन के कपड़े और पैरट्स बन के हम वेजिटेरियनिज्म रैली के लिए निकल पड़े। तो ऐसे ही धीरे धीरे एज टाइम प्रोग्रेस्ड वी स्टार्टेड, हमें लगा कि नहीं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी जाना चाहिए। तो इन दैट मीन टाइम जीवन में बहुत कुछ हुआ, मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, मैं वापस दिल्ली आ गई, आई चेंज्ड, मुझे जॉब मिल गया, मैं CA भी बन गई एंड अमूल्या स्टार्टेड हर कॉलेज, शी वाज फिनिशिंग हर कॉलेज, सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, लाइफ गोज ऑन। ध्यान में ऐसे कुछ नहीं है कि ध्यान में आ गए तो बस स्थिर हो गए कुछ और कुछ नहीं है, बहुत हैपनिंग था लाइफ और बहुत हैपनिंग इसलिए हो गया था बिकॉज एंड आई थिंक अमूल्या इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, बिकॉज बॉम्बे में जब भी पत्री सर और जब भी मैं लो पॉइंट फील करती थी अपने जीवन में कि ऐसे लग रहा था कि मैं ध्यान, यंगस्टर्स में ऐसे अक्सर ऐसे होता है कि ध्यान नहीं हो पा रहा, या मेरी एनवायरनमेंट ऐसी थी कि मेरे फ्रेंड्स बहुत नॉन वेजिटेरियंस थे, सम हाउ द डे आई डिसाइडेड कि आई वॉन्ट
टू हैव ओनली फ्रेंड्स हु ईट वेजिटेरियन विद मी, या मेरे नॉनवेज फ्रेंड्स मेरे आसपास बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाएंगे, मेरे आसपास कुछ भी नॉन वेजिटेरियन नहीं आएगा. ऑफकोर्स ऑफिस में सब लोग खाते थे वो सब था, बट जब मेरे साथ मेरे दोस्त जाते थे नो वन एट. जिस दिन मेरे अंदर मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, उस समय मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे और उनकी फैमिली में वो मेरे मुझे ऐसे उनकी डॉटर की तरह ही देखते थे, बट वो नॉन वेजिटेरियन थे. तो जिस दिन मैं जाती थी, जब भी मैं आसपास होती थी, तो वो पूरा हफ्ता या पूरा वीकेंड सिर्फ वेजिटेरियन ही बनता था, सब लोग वेजिटेरियन बन जाते थे. That was my experience, and I think maybe your college experience. मैं तो I remember my job. मैं MBA खत्म करने के बाद, ये तो मतलब 2017 की बात भी है, जब मतलब मैं तो completely छोड़ दिया, जहाँ पे भी non veg बनता है वहाँ खुद जाना नहीं. और क्योंकि अहिंसा की बात है तो मतलब मेरे office में एक situation ऐसा create हो गया था कि जब मतलब एक एजेंसी ऑफिस में काम करती थी और वॉशरूम जाने के लिए बहुत ठंड रहता था वो ऑफिस, तो जब वॉशरूम जाना होता था वॉशरूम बाहर होता था, तो अगर वहां जाना है तो एक कैफे क्रॉस करते हुए जाना है, मतलब बहुत दूर नहीं, पास में ही है, मतलब ये कोई बाहर ये नहीं है, डीएलएफ का जगह, अच्छे से जगह, वेरी नाइस पॉश लोकेलिटी, और वहां पे नॉनवेज क्रॉस करते हुए जाना है. अब ये जगह जो हम देख रहे हैं कि मतलब हर दिन कितने बार ठंड लगती है, तो कितने बार जाना है मुझे, एटलीस्ट 50 टाइम्स आई यूज्ड टू गो टू द वॉशरूम, लाइक आई कुड से दैट, एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू क्रॉस दैट नॉन वेज प्लेस में नॉन वेज का स्मेल आता था, मतलब एग्जांपल दे रही हूं यार, आई यूज्ड टू गो सो नो बट इट्स सो कोल्ड, मैं क्रॉस करती थी एंड दैट स्मेल यूज्ड टू कम एवरी टाइम आई यूज्ड टू क्रॉस, मैं कोसती थी यार क्या नॉन वेज बना रहे करके क्रॉस करती थी. सडनली थर्ड और फोर्थ डे आफ्टर आई जॉइन दैट ऑफिस आई वाज लाइक वन सेकंड आई क्रिएट माय रियलिटी ना, पहले मैं हर बार क्रॉस करती थी, जाना और आना है राइट, तो जाते ही बोलती थी ये बंद हो जाएगा, और फिर मैं वापस आती थी ये बंद हो जाएगा करके, मैंने एटलीस्ट एक दिन में बहुत बार बोला. फिर मुझे खुद ही लगा मैं इतना डिजास्ट्रस थॉट क्यों बना रही हूँ, ये वेजिटेरियन बन सकता है अभी तो बोल सकती हूँ, इमिजिएटली दूसरे दिन में बोला ये वेजिटेरियन बनेगा, ये वेजिटेरियन बनेगा करके विद इन अ मैटर ऑफ 5 to 6 days, क्योंकि ना बाहर एक ब्लैक बोर्ड होता है कि वो आज का खाना नॉन वेज बहुत अच्छे अच्छे नाम लिखते हैं, मैं देखा ये वेज थाली, हर चीज वेज हो गया, उसके बाद वेजिटेरियन ही बनाते गया. रियली? या दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉनवेज और अंडा भी नहीं था उधर. वाओ, सो दिस इज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट व्हेन द इफ वी हैव द पावर इज इन आवर हैंड्स, ऑब्वियसली यूज इट फॉर द बेटर मोर पावरफुल वे एंड मिरेकुलस थिंकिंग, दैट्स हाउ इवन हाउ वी कमिंग टू लाइक हाउ जो भी हम क्रिएट करते हैं, जो भी हम बड़ा देखते हैं, उसका जो नींव है बहुत समय से हो रहा होता है. सो पीएमसी का भी वही बात है एक्चुअली, कि जब पत्री सर नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल करते थे, तब मतलब क्योंकि नॉर्थ इंडिया ट्रैवल करते थे, मेरे पास जो भी मेरे हाथ में होता था मैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो जाती थी. फोन है तो फोन, पापा का फोन है तो पापा, यंग बचपन से मुझे ये था कि अगर सर इतना अच्छा बात कर रहे हैं बट वो इतना गोल्डन वर्ड्स तो तालियां तो बजा रहे हैं, बट वो कहीं सेव होना चाहिए वो, ताकि एक बंदा सुन सके. सब लोग ऑडियो नोट, सब लोग अपना वो क्या है वो फोन रिकॉर्डर होता है, ये कोई रिकॉर्डर होता है ना, तो उससे वो करते थे, बट उससे थोड़ी ना लोगों तक पहुंचेगा. धीरे 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 जहां पत्री जी जाते थे वहां पे रिकॉर्डिंग करने का थॉट, वी मस्ट डू दिस, हमारे हाथ में जो है हम करेंगे, भले ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं हो, लेकिन जो मैसेज सब तक पहुंचना है वो पहुंचना है उस थॉट के साथ. सो दैट्स व्हाट धीरे धीरे दैट वेरी स्ट्रॉन्ग संकल्प, द वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट कि जो हमारे पास है वो हमें सबको देना चाहिए, दैट थॉट, दैट्स ऑल यू एक्चुअली आस्क. ये सब पीएमसी पत्री जी का शुरू करना, ये जो पूरा एक मूवमेंट है वो एक थॉट है. अगर आप सब जो लोग पुराने हैं पीएसएसएम में, ये जानते हैं कि बहुत सारे प्रचार के माध्यम रहे हैं, हम पैम्फलेट्स जानते हैं, मैगजीन्स जानते हैं, रैलियां करते हैं पब्लिकली, यू नो वो सब जो हम करते हैं, जो हम देखते हैं, वो नेचुरल प्रिंट मीडियम है. कितना मैगजीन कितने लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन वो पहुंचने से वो बंदा वो पूरा मैगजीन पढ़ के ही छोड़ सकता है. दैट्स व्हाई इट्स एन एनर्जी टूल. दैट्स व्हाई एक कम्युनिटी जब जुड़ती है, जब मतलब इफ यू एक्चुअली लुक एट ऑल मैगजीन जो बनते हैं, एक मेडिटेटर्स जुड़ के उस एनर्जी फॉर्म को सभी तक पहुंचाते. दैट्स हाउ बुक्स आर देयर, दैट्स हाउ मैगजीन्स आर देयर. जब कोरोना
से पहले ही एक्चुअली सर 2018 में ही उन्होंने पीएमसी तेलुगु की स्थापना की, क्योंकि तेलुगु भाषी लोग लाखों हैं, आप सब ध्यानमा चक्र में देखते हैं। सो सर ने एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा सर का, पिरामिड मास्टर्स ना बहुत स्मार्ट होते हैं, वो काम वो नहीं करते जो कभी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल टास्क कभी नहीं करते, सिर्फ पॉसिबल टास्क करते हैं। तो जस्ट इमेजिन पॉसिबल टास्क क्या है, एक ऐसी संस्था जिसके पास कोई फंडिंग नहीं है, हम सब जैसे लोग इसको फंड करते हैं, एक नॉर्मल आदमी सोच ही नहीं सकता है। पत्री जी ने इसको पाशुपतास्त्र बोल के, लिटरली मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग मीडिया, मैं तो मीडिया की लाइन में से हूँ, मैं जानती हूँ वो कॉर्पोरेट लाइन से, वो जानती है कि अगर आप एक सैटेलाइट चैनल सोचते भी है, एक थॉट भी छोड़ते हैं, आप जानते हो कि आई टॉकिंग अबाउट क्रोर्स ऑफ रुपीज एंड नो वन, इसको व्हाइट एलिफेंट बोलते हैं, एक मीडिया में घुसना ही एक व्हाइट एलिफेंट समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारी संस्था में कोई कॉर्पोरेट वो कमर्शियलिज्म नहीं है, तो इट्स कंप्लीटली फ्रॉम द हार्ट। सो दैट्स हाउ एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, पीएमसी तेलुगु जो 2018 में स्थापना हुई, इमीडिएटली जल्दी से एक सैटेलाइट चैनल बनना, फिर सर ये कहना कि अगला होगा हिंदी का, विश्व की सबसे तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, तो अगर मेरे से पूछो तो मैं तो बहुत लाइटली, क्योंकि वो सर जब भी नॉर्थ इंडिया में आते थे, सब हिंदी दिल्ली में जब भी क्लास होता था सर बात करते थे इसके बारे में, तो मतलब क्योंकि दिस इज एन अनफॉरगेटेबल, मतलब ये क्या टास्क है, आप एक सैटेलाइट चैनल शुरू करना है, हम सब अपने मीडिया अपने खुद के जॉब्स कर रहे हैं, वीकेंड्स में हम प्रचार कर पाते हैं, वीकडेज में जब जब समय मिलता है हम ढूंढ ढूंढ के क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो ये एक टास्क, इट्स अ फुल टाइम टास्क, आवर्स ऑफ कॉन्टेंट, आप ये समझिए 24 hours इंटू 7 इंटू 365 डेज इज हाउ मेनी आवर्स ऑफ कॉन्टेंट, आप बस सोचिए बस, दैट इज अ मिराक्यूलस थॉट जो सर ने एक मीटिंग में कहा था कि एक पिरामिड मास्टर कितना काम कर सकता है, आप सोचिए, एक पिरामिड मास्टर एक ओशो से कम नहीं है, एक पिरामिड मास्टर कोई भी गुरु से कम नहीं है, तो हम सब में वो गॉडहुड है, हम वो गॉडहुड हैं। तो मुझे याद है द लास्ट वर्ड्स, आई थिंक आपने सबने देखा भी होगा वीडियो, उन्होंने कहा था रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग, आपने सुना होगा, बहुत क्लियरली बताया, हम सब अपने अपने जगहों में प्रचार कर रहे हैं, इन सब का इंस्पिरेशनल मैसेज जब सब तक पहुंचेगा, हम सभी किसी के एक्सपीरियंस सुनकर ही ध्यान में आए हैं, अगर आप रियली पीछे मुड़ के, हम पीछे जाते नहीं है, सिर्फ हम अपनी स्टोरी याद रखते, लेकिन किससे सीखा अगर आप देखेंगे, अनुभव से सीखा हमने, आपको हम, मैं तो बहुत ही ग्रेट ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि जब थैंक यू फॉर दैट पर्सन जिसने ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स उस बंदे को जिसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि उस एक्सपीरियंस से मैं ध्यान में आई, उस एक्सपीरियंस से वो ध्यान में आई, तो एक एक्सपीरियंस जिंदगी बदल सकता है, तो दैट्स व्हाट इट इज, हम सभी में वो शक्ति है, ताकत है, वो संकल्प है कि हम सब कर सकते हैं, एंड दैट संकल्प इज पीएमसी हिंदी, क्योंकि सबसे ज्यादा, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, तीसरी सबसे ज्यादा, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट कि हम सभी तक ये सत्य पहुंचाना है। सो आई टेक इट फ्रॉम वेयर अमूल्या लेफ्ट, कि जैसे अमूल्या ने बोला हम वॉलंटियर्स की तरह काम करते थे 2017 में, एक्चुअली पीएमसी हिंदी का, पीएमसी तेलुगु की नींव बोई थी पत्री सर ने, एक्चुअली 2012 से जब मायन कैलेंडर खत्म हो रहा है, दुनिया खत्म होने वाली है, एक नए युग शुरू होने वाला है का जो चल रहा था, पत्री सर सिंस देन, सिंस 2010 टू 2012 सर ने बहुत प्रयास किया था कि चैनल आए। This is also सर का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिकॉज पीएमसी हिंदी इज ऑल पत्री सर ग्रैंड विजन। तो 2012 में सर ने कहा था आई वॉन्ट अ चैनल, उन्होंने हर एक से पूछा कि मुझे स्वामी जी मुझे एक सैटेलाइट चैनल चाहिए, एक चैनल चाहिए, चैनल चाहिए। सर को 2010-2012 में ही इंट्यूशन था कि वी नीडेड अ चैनल, बट वो फाइनली जाके वो कार्य कंप्लीट हुआ 2017 में,
जब पहले पीएमसी तेलुगु का नींव बोया गया. सो सर वेटेड, सर जैसे ग्रैंड मास्टर को भी 5 साल वेट करने पड़े की टू वेट की वो सही चीज. ही केप्ट अ थॉट एंड ही केप्ट इट. ही न्यू. हम एक दिन, अब मॉम भी बोलती है कई बारी कि जब सर, हम सर घर आते थे और टीवी देखते थे तो सर बोलते थे एक दिन हमारे भी चैनल आएगा मैडम, ऐसे हम भी देखेंगे हमारा चैनल, सब ध्यान के एक्सपीरियंसेस, ओनली पॉजिटिव न्यूज करके. तो हम सब ये बातों को लाइटली लेके बोलते हैं हाँ हाँ सर, बट दैट इज द विजन. द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग. जो उनके मन में जो डिजायर था, जो थॉट था, उनके वर्ड्स में भी कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ. सभी ने मना कर दिया, क्या सर आप जानते नहीं हो बहुत पैसे लगते हैं सैटेलाइट चैनल के, हम कैसे, बहुत सब लोग अपना प्रैक्टिकलिटी की बोलते गए सर को. बट 2017 इट हैपेंड. जब तेलुगु में हुआ, तेलुगु में बात ऐसी हुई कि पति सर ने 2017 में बताया था कि अलेखा हिंदी में भी हमें करना है करके, एंड आई थॉट सर जोक कर रहे होंगे, उनको नहीं पता तेलुगु में आ गए. ठीक है, तेलुगु में बहुत सारे मास्टर्स है, बहुत मूवमेंट है, सर को पता नहीं नॉर्थ इंडिया में हम पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करके लोगे, लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन करके आगे चले जाते हैं. तो सर हमारे लिए नहीं है ये. ठीक है सर बोल रहे हम अपना सेवा देंगे, है ना, देखते हैं, ठीक है, वॉट एवर वी कैन डू वील डू करके. फिर से सर ने 2018 में बोला, और उस एक साल में पीएमसी तेलुगु बहुत ग्रो हुआ, आंखों के सामने दिखने लगा. जो सर का जो माइंड का विजुअलाइजेशन पावर था वो दिखने लगा हमें सामने, समथिंग इज देयर. 2018 फिर से पत्री सर ने बोला अब करना है करके, हमने भी बोला यस यस सर डेफिनेटली डेफिनेटली. 2019 में सर हैड कम इन फेब्रुवरी टू दिल्ली एंड सर ने कहा अभी हमें करना ही शुरुआत. और इस बारी दिस टाइम इस एंड दिस इज वेयर द ग्रैंड प्लान इज. और हम सबके जीवन में ऐसे मौके आते हैं, आपके जीवन में जो भी आपका मेंटर या गाइड है या आपको खुद आपके जीवन में एक ऐसे एक मोमेंट आ जाता है जब आपको समझ में आता है कि नाउ आप और डिले नहीं कर सकते. आपने अपनी लर्निंग जो भी सीख करना है आपने पुश कर दिया, जीवन आपको ऐसे मोड पे ले आएगा. तब 2019 फरवरी सर ने बोला अब टाइम आ गया है, अब हमें करना है. तो हमें भी समझ में आ गया उस दिन कि नहीं, कुछ तो बोल रहे हैं सर, हम नहीं पकड़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, बट देर इज अ बिगर प्लान. सो दैट इज हाउ इन 2019 हमने महायोग ध्यान को में सबसे पहली बारी एक जो हमारा पीएमसी हिंदी का थीम सॉन्ग है, अमूल्य ने सारे दोस्तों को मिला के मेरे अंदर से कुछ लिरिसिस्ट जाग उठा कि लिरिक्स लिखना शुरू कर दिए कि हम इस राग के लिए ऐसे इस गाने के लिए. सारी चीजें हमारे अंदर ही है. जिस दिन निर्णय लिया निश्चित रूप से कि हमें इसको आगे करना है, यस नॉट जस्ट When we decide truly for ourselves, हर एक चीज होने लगती है हमारे. हम बस एक एग्जाम्पल है आपके साथ समक्ष शेयर करने के लिए कि हर एक के जीवन में ऐसे हो रहा है. सो द पीएमसी हिंदी सॉन्ग, प्रकाश को सब तक पहुंचाने, धरती पे स्वर्ग को लाने, धरती पे स्वर्ग को लाने, दैट इज वॉट वी कम फॉर. और ये गाना जब बना एक मोमेंटम शुरू हो गया, हम किसके लिए आए हैं ये सत्य जब हम जान गए तो फिर इट इज नॉट अ मैटर ऑफ हाउ इट विल हैपन, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ वेन, बिकॉज वो हाउ खत्म हो जाता है. हमें पता है ये निश्चित रूप से जो ये ग्रैंड विजन है ये होगा. अगर आज हम सब यहाँ पर जुड़े हैं, जो भी आपके जीवन में जो भी चल रहा हो, यू आर हियर फॉर द पर्पस. अपनी खुद की एवोल्यूशन हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है जब हम ग्रुप के साथ होते हैं, और ये हम इस ऐसे ग्रुप के साथ जुड़े हैं. पीएसएसएम एक ऐसा अद्भुत परिवार है जो हमें पूरा फ्रीडम देता है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, एंड आपके लिए ही, यानी कि हम सबके लिए पत्री सर ने एक प्लेटफॉर्म दिया है. अरे एक पिरामिड मास्टर को हर एक गुरु का चैनल बना है पीएमसी, हम सभी के अनुभवों के लिए बना है पीएमसी. पीएमसी हिंदी नाम के लिए पैसों के लिए चलता है. जिस दिन हर एक पिरामिड मास्टर बोलेगा हाँ मेरा अनुभव पीएमसी में आना चाहिए, उस दिन आप समझ लीजिए पीएमसी हिंदी इज 1000 करोड़ कंपनी.
पैसे से नहीं बनती है कंपनी। हाँ, पैसों से हम पेमेंट करते हैं हर महीना, जब हमें सैलरी पे करने होते हैं लोगों को, हमें सिटी केबल, डेन, इन केबल, टाटा स्काई, इन सबको पेमेंट करना होता है। हाँ, वहां पर पैसों की जरूरत है, पर ये पैसे बनते कैसे हैं? जब हम एनर्जेटिकली माइंड के स्तर पर इस विजन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वी कनेक्ट टू दैट लार्ज विजन दैट इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर आर एक्सप्रेशन। जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब पत्री सर ने काम दिया, बट जब हमने ठान लिया कि हाँ मैं करूंगी, मेरे अंदर से इतने सारे टैलेंट्स उभर के आए, मुझे खुद नहीं पता था। और हर दिन जब मैं ऑफिस में जाती हूँ, मैं आई फील सो एम्पावर्ड कि यस, व्हाट विल आई डू न्यू टुडे। आज जोत्सा मैम ने मुझे एक टफ स्पॉट में बोला, अलीखा हाउ व्हाट शुड आई से टू, बिकॉज क्लास तो प्रिपेयर्ड नहीं था। यस, हमें पता है कि हम पीएमसी हिंदी के विजन का आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। श्रोता मैम, जस्ट कनेक्टेड टू जोत्सा मैम, आंखें बंद करके, क्या है जिसे ये पूरे क्लास के लिए, सभी के लिए हम एक वैल्यू दे सकते हैं, अपने आप को भी और दूसरे लोगों के लिए भी। And automatically I shared whatever I could share with Jyotsna ma'am. So thank you so much ma'am, वो experience देने के लिए आज सुबह। PMC हम सबका platform है, हर एक pyramid master, हर एक ध्यानी का platform है, जहां पर वो जब एक thought level पर connect हो जाए कि I will come forward and share my experience, मेरे जो प्रयोगों के माध्यम से जो मुझे अनुभव मिला है, इस अनुभव को जब मैं सब तक साझा करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, हमारा इंडिविजुअल नहीं कलेक्टिव एवोल्यूशन होगा, जो धरती पे स्वर्ग बनेगा, जब एक 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 अपने सत्य की वाणी हर एक तक पहुंचाना का निर्णय लेता है। एंड दैट इज पीएमसी। हम आपको बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, पीएमसी हिंदी आज की डेट पर 3.5 करोड़ घरों तक पहुंच रहा है। इट इज नॉट जस्ट अ यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पर भी हम है उपलब्ध। हमारा एक कार्यक्रम है हेलो पीएमसी, जिसमें हर सप्ताह अंत पर फ्राइडे और सैटरडे दो दिन एक कॉल सेंटर नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, जिसपे जो जूम नहीं यूज कर सकते वो लोग कॉल करते हैं, एंड वो सिर्फ टीवी पर देखकर चैनल घर बैठे बैठे वो ध्यान कर रहे हैं। आई शेयर 2-3 एग्जांपल्स ऑफ मेरा ऑफ जो पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज हर दिन हम यही सोचते हैं, हर एक प्रोग्राम का हम यही सोचते हैं कि इस प्रोग्राम को देखकर कोई अगर चैनल सर्व भी कर रहा होगा वो थम जाए और रुक के देखे, अरे इसमें कुछ क्या है, देखते हैं करके। सो देयर इज वन लेडी इन गाजियाबाद, वो दिल्ली के पास में ही रहती है, जो जिनका आईसाइट वीक हो रहा है, एंड शी इज लूजिंग हर आईसाइट। तो उनके घर पर एक ही माध्यम है उनके लिए फॉर एंटरटेनमेंट, टेलीविजन। तो एक दिन वो चैनल सर्व कर रही थी, टीवी सर्व कर रही थी, तो टीवी सर्व करते करते कविता दीक्षित मैम का परिवर्तन कार्यक्रम आया, जिसमें वो डॉल्फिन्स का विजडम दे रही थी। तो इस लेडी को डॉल्फिन्स बहुत कनेक्टेड थे, तो थम गई, और वो उस दिन से लेके आज तक घर बैठे बैठे पीएमसी देखकर अपने ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए, दवाइयों को कंप्लीटली छोड़कर अपने पूरे परिवार को ध्यान ही बना दी जस्ट बाय वॉचिंग। अनदर एग्जाम्पल, एंड वो हमें कैसे पता, ये शी केम टू द पिरामिड, शी लाइक नहीं वो दिल्ली के आसपास कहां पर मैं ढूंढ सकती हूँ एक केंद्र, मैं इन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ये लोगों ने मेरी जीवन बदल दिया। शी एज अ यंग, उनका एक छोटा सा बेटा है, 10 साल का बेटा, हमें नहीं पता था कि उनकी मॉम का ऐसे सिचुएशन है, बिकॉज वो पिरामिड पे बैठ के ध्यान कर रही थी। हम सेकंड फ्लोर पे रहते, पिरामिड टॉप फ्लोर पर है, तो उनका बेटा था, तो उनके मैं बस सर्वे कर रही थी। हम तो बस यही सोचते हैं, बिकॉज हमें लगता है यार यूट्यूब ही देखते हैं लोग, टीवी कौन देखता है आजकल। तो मैं पूछ रही थी उस बच्चे से कि यंगस्टर है तो ये तो डेफिनेटली सच ही बोलेगा, बोल ऐसे मेकअप नहीं करेगा। बोला अरे यार दिन रात हमारे घर पे 3 टीवी, दिन रात मम्मी ने पीएमसी चला रखा है, अंदर वाला टीवी पर भी पीएमसी, बाहर नाना ने दादा दादी के लिए भी पीएमसी चला दिया, वो भी अब पीएमसी देखने लगे। मेरे रूम में तो था ही, तो मैं बीच में कार्टून नेटवर्क देख लेता, बट पीएमसी चल गया करके। सो दैट्स वन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल क्यों मैं आपको बता रही हूँ कि एक और चीज है पीएमसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स वन अदर लेडी, एक हम यूजुअली मॉम ऑफिस में जो भी मास्टर्स आते हैं उन सबके लिए लंच बना देती है सुबह 11 o'clock। मॉम मेक, हमारी माताजी वसंता मैडम, शी मेक्स फूड फॉर एवरीवन। ऑफिस हमारे घर से पास में ही है, पीएमसी हिंदी का ऑफिस। तो मॉम ने बोला, एंड उस दिन लेट हो गया खाना,
और हम सब वेट कर रहे थे, और हम मॉम को कॉल करके बोल रहे क्या हो गया यार, बहुत भूख लगी, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया. तो बोल रही अरे मास बहुत सारे लोग आए आज, तो लाइन लगी पड़ी सभी नए लोगों की. हमारे घर की छत के ऊपर पिरामिड है. तो उस तो पूछा कौन आया, शी सेड अरे वन कपल हैज कम फ्रॉम पानीपत, वन कपल हैज कम फ्रॉम करनाल, ये तो. और वो सब पीएमसी देख रहे, वो सिर्फ पिरामिड देखने के लिए आए, वो देख के जाना चाह रहे थे, तो मैंने उनको रोक लिया. तो मुझे उनके लिए भी बनाना है, इसलिए समय लग गया. तो दैट वो लेडी दिखा रही थी कि अभी भी वो स्मार्टफोन नहीं, बहुत पुराना फोन यूज करती है. शी सेड मुझे, मेरा बेटा वो यूज करते है, मुझे नहीं आता ये सब यूज करना. वो पानीपत के आउटस्कर्ट्स में एक छोटे गांव में रहती है, एंड वो सिर्फ पिरामिड देखने के लिए, उनको एड दिखा कि अच्छा हमारे नजदीकी कहाँ पर है, अच्छा दिल्ली में है. तो बस सुबह वो निकल के 2 घंटे बस से ट्रैवल करके उतर के ऑटो लेकर पिरामिड आई, जस्ट देखने के लिए पिरामिड कैसा है जस्ट. और मुझे ये देखना है, मैं ये कर रही हूँ, हमारे घर पर बहुत अच्छा हो रहा है, हमें भी बनाना है. तो हमें ये बनाना है कहाँ पे, तो ये पिरामिड आ गई देखने के लिए. वो सिर्फ देख के आके जाने वाले थे. मॉम ने बोला अरे अरे आप इतनी दूर से आए, प्लीज रुक के आइए. प्लीज माँ अन्नपूर्णा. ओके दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट पॉइंट इज हमें पता नहीं है कि चैनल का क्या इम्पैक्ट है. हमें दिख रहा है कि ठीक है बस ओके यूट्यूब पर आ रहा है, बट टेलीविजन चैनल 3.5 करोड़ घरों तक, अगर 1% लोग भी अगर वो चैनल देख रहे हैं, ये जो एक थियोरी है क्रिटिकल मास की, धरती पे स्वर्ग बनाने के लिए अगर वी हैव, इसलिए 1,44,000 लाइट वर्कर्स उस समय के लिए 2012 के लिए था, अब हमें 1,44,00,000 लाइट वर्कर्स चाहिए इस अर्थ को 5 डिमेंशन में ट्रांजिशन करने के लिए. तो अगर इन 3.5 करोड़ लोगों में इवन 1% देखना शुरू कर दिए और ध्यान कर लिए, तो हमारा काम कार्य पूरा. हम सब साथ मिलके ध्यान, सामूहिक ध्यान कर धरती की ट्रांजिशन में वो ऊर्जा बढ़ाएंगे, ताकि हर एक बंदा अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्ट होके वो एक दिव्यत्व स्थिति में जीना शुरू करे. सो पीएमसी हिंदी हम सबका चैनल है, ये हम सबका एक एवोल्यूशन, नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक पाथ है हम सबके लिए. सर ने पीएमसी हिंदी हम सबको दिया है, बस हमने आज जान लिया. कुछ समय पहले हमने भी 2 साल डिले किया, जब पत्री सर ने बोला था 2 साल डिले किया, बट जानने के बाद हर दिन एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, एक ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन है, एंड इसी के लिए आए हैं. मतलब जीवन में चैलेंजेस कम नहीं है, चैनल चलाने में जो चैलेंजेस आए हैं, जो अड़चने आती हैं हर प्रकार के, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज अ गेम, ये गेम है, ये रंगमंच है, हमें अपना पात्र रोल निभाना है. हर एक रोल को निभाते हुए जो अपने दिव्यत्व को और एक्सपैंड करने के लिए जो भी मौका हमें मिले उसको पकड़ लेना. तो ये जो आज हमने आपके साथ कहानी शेयर की, ये हमारे पकड़ने वाली कहानी थी, हमने पकड़ लिया उस मौके को. इसको ऐसे, इसको जितना पूरी तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सके, और ये हम सबके पास है. पीएमसी हिंदी हम सबका चैनल है, ये एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है, हर एक इस मिराक्युलस थिंकर का, उस पिरामिड मास्टर का, जो थॉट की लेवल पर जुड़ गया है. हर एक इंटेंशन यही है कि हर धरती पर स्वर्ग जल्द से जल्द होने के लिए पीएमसी हिंदी एक मार्ग है. वन फन फैक्ट, पत्री सर ने को हमने एक बारी पूछा था, हमने नहीं, नवकांत भैया ने पूछा था, ही इज पीएमसी तेलुगु के डायरेक्टर, कि सर आपने अपने जीवन काल में कितने लोगों को ध्यान सिखाया होगा. तो सर ने अप्रोक्सीमेटली बोला 4 करोड़ लोगों तक तो सिखा दिया होगा नवकांत करके. सो पत्री सर 1982 से जब से उनको उनकी ध्यान से पहचान हुई है टिल नाउ 2022 तक उन्होंने 4 करोड़ हर एक दिन, फ्रॉम 1990 ही हैज स्पेंट हिज एंटायर लाइफ टाइम 24 आवर्स 365 डेज सिर्फ ध्यान प्रचार में लगाने के बाद सर ने फिजिकली 4 करोड़ लोगों तक पहुंच गए. और सर की मिराकुलस थॉट से विद इन 1 ईयर पीएमसी हिंदी हैज रीच 3.5 crores. दैट इज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. जो 2012 में नहीं हुआ था, 2022 में when PMC Hindi became a satellite, 2023 में when PMC Hindi became a satellite channel, this happened.
एंड ही इज देयर वॉचिंग दिस, तो हम सबके ऊपर है. हम धरती पे स्वर्ग को कैसे इमेजिन करते हैं? धरती पे स्वर्ग तो चलो बहुत दूर की बात, अपने जीवन में हम हर पल खुशहाल कैसे जिए, हर एक पल अपने आध्यात्मिक प्रगति को कैसे आगे बढ़ाते रहें, तेजी रफ्तार से धीरे धीरे चल लिए, बहुत जन्म ले लिए, अब तेजी रफ्तार से इसको लास्ट जन्म करना है तो कैसे करें? सर ने बोला चलो चलो, मैंने बहुत हार्डवर्क कर लिया, तुम लोगों के लिए आसान बना देता हूँ. यज्ञ में नहीं होता, मेरे हस्बैंड जब अगर उनको घर उन घर पे कोई यज्ञ होता है तो वो करते हैं, और मैं पूजा वूजा करती नहीं, तो मैं उस समय ध्यान कर लेती हूँ, बस अपना एक उंगली उसके हाथ पे डाल देती हूँ. हाँ मेरा भी, पंडित जी बोलते हाँ हाँ ये चल जाएगा, तुम्हारी भी थी आहुति आ गई. और इस महायज्ञ में तो हम सब अपने संकल्प के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से अपने आप को और एक्सप्लोर करते हुए अपना योगदान दे सकते हैं. सो पीएमसी हिंदी हम सबका चैनल है, ये एक पाशुपतास्त्र है अज्ञान को भस्म करने के लिए, किसी और का नहीं अपना ही. हमारे अंदर भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे ऊंच नीच के फर्क है, हमारे अंदर ही बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनको हम तोड़ना चाहते हैं. एक माध्यम जो बहुत आसानी से ये तोड़ सकते हैं, दैट्स पीएमसी हिंदी. हर एक चीज के लिए पीएमसी हिंदी है, हर एक एज ग्रुप के लिए पीएमसी हिंदी है, हर एक कार्य के लिए पीएमसी हिंदी है, हर एक शहर में पीएमसी हिंदी है, हर एक चैनल पे, हर एक नेटवर्क पे जल्द ही जल्द पीएमसी हिंदी होगा. पीएमसी हिंदी एक शब्द है, बट इसके पीछे हर एक पिरमिड मास्टर की ऊर्जा है. ये पत्री सर का सबकॉन्शियस माइंड का मिराकुलस थॉट फॉर्म है जो फिजिकल रियलिटी में हमें दिख रहा है. एंड थैंक यू सो मच आप सभी को, आपने इतने दिल खोल कर हमारे एक्सप्रेशन को सुना, हमें स्वीकारा. थैंक यू, थैंक यू सारिका मैम. और बोलो. मन नहीं भरा एक्चुअली. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अमूल्य और अलेख के साथ में. जब मैं पहली बार इसको मिली थी ना, अमूल्य को तो नहीं मिली थी, अलेख्या को मिली थी, आई थिंक ऋषिकेश में पहली बार मिली थी, उसी वक्त पीएमसी हिंदी का जब हुआ था 2019 आई थिंक. तो उस वक्त वो सबको पीछे पड़ रहती थी, अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करो, एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करो. और मैं बोलती थी नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं यहाँ प्रोग्राम अटेंड करने आया, एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं कर सकती. आप करो, तो जो आता है आप करो ना, ठीक है देखेंगे. लेकिन इसके अंदर में जो वो एक जो प्योरिटी, जो आग एक थी ना कि यस मतलब करना है इसको, उससे मैं बहुत कुछ खुद से मैं बहुत रिलेट कर पाई. क्योंकि जब मैं ध्यान में आई, ध्यान में आते ही जैसे जीवन एक मैजिक की तरह जब परिवर्तित हो गया ना, तो वो आग मैंने अपने अंदर में देखी कि इसको तो करना है बस. तो लाइक फर्स्ट टाइम मास्टर्स लोग पूछे थे कि आपका क्या पर्पस है लाइफ का, आप क्या करना चाहते हो, आपने क्या सीखा सेफ विजडम से. तो उस वक्त मैंने शेयर किया था कि मैं इस ध्यान को पूरे विश्व में फैलाऊंगी, यही मैं सीखी हूँ और यही मेरा पर्पस है. एंड दैट वाज वेरी न्यू, बट किस विश्वास से बोला था पता नहीं, लेकिन वो आग थी अंदर में. That aag I have seen in Alekhya. And with that much of purity, with that much of innocence, and with that much of power, all at the same time. So I can relate. And then I met Amulya. So ye dono behen, 100% hum bahut janmon se saath mein hain, varna aisa nahi hota, matlab ye. So ye dono ko yahan lane ka, aur main hamesha jo hum yahan pe announce karte rehte PMC Hindi par, aap apna record karo, PMC Hindi ko bas forward karo, share karo, ye sab jo hum yahan blessings mein announce karte rehte hain, to bahut sare mere paas prashn bhi aise aate hain, kya aapko ma'am PMC Hindi se kuch milta hai kya, kya PMC Hindi ke sath aapka kuch matlab waisa hai kya. Main kuch jawab nahi deti, lekin aaj main samjha deti hu ki ye kyun, ye isliye ब्लेसिंग्स प्लेटफॉर्म पर ओनली प्योर सोल्स कैन ज्वाइन. कोई आ भी जाएगा तो यहाँ टिक नहीं पाएगा. आप सब यहाँ जुड़े हो मतलब आप बहुत प्योर हो, और ज्यादातर यहाँ पे फॉरेन से मतलब आउट ऑफ इंडिया से जुड़ते हैं. जब इसके व्यूज बाहर से आते हैं, जब रात में, ये अभी लाइव आ रहा है लेकिन रात में इसमें व्यूज आएंगे, और हर एक के दिल में वो आग है प्रचार का. यू कैन सी द टाइप ऑफ प्रचार एवरीबॉडी इज डूइंग. लेकिन हम जीवन भर भी अगर ये प्रचार करते रहेंगे तो कितना हम कर पाएंगे?
कितना ही हम कर लेंगे सर, 40 साल में 4 करोड़ हम कितना कर पाएंगे, लेकिन अगर हम पीएमसी हिंदी के हर एक वीडियो को शेयर करते हैं, बच्चों के अलग हैं, बड़ों के अलग हैं, कुकिंग के अलग हैं, माँ हो तो ऐसी के अलग हैं, किताबों के अलग हैं, स्वाध्याय के अलग हैं, ऐसा कोई एरिया नहीं है जो हम लोगों ने कवर नहीं किया है पीएमसी हिंदी पर। तो नॉर्मल अगर कोई गणपति का भी कर रहा है, उसको भी आप फैमिली में अगर कर दो तो उसको उस तक पीएमसी हिंदी पहुंच गया, इतना ईजी हो गया कि आपको ऐसा नहीं है कि ध्यान के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो आप फॉरवर्ड करो। नॉर्मल हमारे डे टू डे के सारे चीजों को इन्होंने कवर किया है। अगर हम उसको सिर्फ फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दें और हर एक तक ये पहुंच जाए तो कितना जल्दी हमारा प्रचार हो जाएगा। मैं अकेले आज 1 साल तक पूरा प्रचार करके आऊंगी तो 1 करोड़ घर में करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ हम सब मिलकर सिर्फ पीएमसी हिंदी को फॉरवर्ड कर देंगे, उस चैनल को भी शेयर कर देंगे तो 1 करोड़ तो 1 दिन की बात है। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, इसीलिए हमको पीएमसी हिंदी करना है, एंड दैट्स व्हाई दीज बोथ सिस्टर्स आर हियर। तो हम सबका काम यही है कि धरती को स्वर्ग बनाना है, कोई भी बनाए कैसे भी बनाए, हम सब है तो एक ही उसी पूर्णात्मा के अंश ना, तो हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े होकर ये काम करना है। तो यस दैट्स व्हाई, एंड और आप अपना वो बताइए, शोज के बारे में बताइए, अपना विजन बताइए, इतना समय कैसे होगा। मैं थोड़ी एक एड दिखाती हूँ आपको, थोड़ा अभी बहुत सीरियस हो गया, अब थोड़ा सा आपको मजा कराती हूँ। यस राजा विभूति नारायण, क्या हो गया? अरे यार पूछ मत, लास्ट वीक ना मैंने हॉरर मूवी देख ली थी कई सारी, अब पता ही नहीं क्या ही हो रहा है यार। और मनीष क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे देश में इतना सब कुछ चल रहा है, कोई बाप जो है बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे रखे हैं, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, किसी की बकरी खो गई, कोई युद्ध कर रहा है, और तुमने पूछ रहे क्या चल रहा है। सनसनी में आज सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोमोज का ऐसा कहर जिसने दर्जनों लोगों को पहुंचा दिया है अस्पताल। ओ मनीष मोमोज खाएगा, ऑर्डर कर रहा हूँ। तुम न्यूज नहीं देखते, तुमको नहीं पता लोग मोमोज खा के मर रहे हैं? बड़े आए मोमोज खाएंगे। स्पिरिचुअलिटी जितना सच्चाई की खोज है उतना ही निडर बनने का प्रयास। हाय मनीष। हाय पुनिका। क्या बात है, इतने खुश और पॉजिटिव दिख रहे हो। आजकल टीवी पर ना मैं एक चैनल देख रहा हूँ। कौन सा चैनल? टीवी पर तो कुछ देखने लायक नहीं बचा। अरे है ना पीएमसी हिंदी चैनल, और कर रहा हूँ डेली मेडिटेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या तुम्हें पता है मैंने एक चीज और जानी कि इंटरनेट से टीवी से हम कोई भी कंटेंट जो कंज्यूम करते हैं ना वो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, और हमारी लाइफ ठीक वैसी ही बन जाती है। जरा दिखा तो सही। हो बिल्कुल, ये YouTube है। अरे ये सैटेलाइट पे भी है। अरे कुछ नहीं यार, आराम से पीएमसी हिंदी चैनल देखो, मेडिटेशन करो और लाइफ को एकदम चिल जियो। पीएमसी हिंदी बदले जीवन। वाओ बहुत सुंदर, सो क्रिएटिव, लाइक अनम्यूट करो। और ये सब टीम है, सब बहुत अच्छे ध्यान दिए। वाओ इट्स वंडरफुल। सो अमूल्या वुड यू आल्सो लाइक टू टेल अबाउट द शोज प्लीज?
एंड प्लीज ये भी जो जो शोज के लिए हमको चाहिए और कहाँ कहाँ कब कब पीएमसी जाएगा वहां हम ध्यान से चमत्कार जो रिकॉर्ड करना है और लाइक माँ हो तो ऐसी एंड वो सारा अनाउंसमेंट्स आप कर दो. दिस इज अ परफेक्ट टाइम. Finally, just one second. Huh? क्या आप कुछ शेयर कर रहे हो? Just one. Okay. उन्नीस सौ नब्बे में थोड़ा आपको एक ओवरव्यू कर लेंगे क्या है, कैसे आप जुड़ सकते हैं. 1990 में शुरुआत हुई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की, ताकि पूरा विश्व जाने ध्यान, शाकाहार वो पिरामिड का महत्व. ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी के चार दशकों के अथक प्रयासों से पीएसएसएम के सिद्धांत पहुंच रहे हैं घर घर तक. तेलुगु, अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, मराठी और नेपाली भी. पिरामिड मेडिटेशन चैनल उपलब्ध है विभिन्न भाषाओं में, ताकि अध्यात्म की ये लहर प्रत्येक भाषा में लोगों तक पहुंचे और सतयुग की इस स्थापना में एक सशक्त माध्यम बना टेलीविजन. टीवी पर पीएमसी तेलुगु की सफलता की प्रेरणा से शुरू हुआ पीएमसी हिंदी, जो है विश्व का पहला 24 घंटे सातों दिन प्रसारित होने वाला स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल चैनल. आपको अध्यात्म और आनंद से सराबोर जीवन जीने की कला सिखाने के लिए पीएमसी हिंदी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आप तक पहुंचाता है दिन की ऊर्जावान शुरुआत के लिए मास्टर्स द्वारा निर्देशित ध्यान. विश्व भर के समस्त आध्यात्मिक गुरुओं का ज्ञान और उनके संदेश. दैनिक जीवन में आध्यात्मिक विज्ञान का महत्व और उससे जुड़ी हर जानकारी. ध्यान अभ्यास से हुए जीवन रूपांतरण के कुछ अद्भुत अनुभव. संपूर्ण विश्व की महानतम आध्यात्मिक किताबों का सार. आहार का विज्ञान और ऊर्जावान भोजन बनाने की विधि. स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी तथा आध्यात्मिक तरीकों से स्वस्थ बने रहने के नुस्खे. देश दुनिया की सकारात्मक खबरें जो आपको देती हैं जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण. युवाओं के जीवन में अध्यात्म का महत्व और उनके ध्यान अनुभव. बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक विकास. पितामह पत्री जी के आध्यात्मिक संदेश और ज्ञान. मास्टर्स द्वारा अध्यात्म से जुड़े गहनतम सवाल और उनके जवाबों की एक श्रृंखला. डिजिटल माध्यमों के अलावा पीएमसी हिंदी उपलब्ध है विभिन्न टीवी नेटवर्क्स पर, जिससे अध्यात्म का महत्व पहुंचे विश्व के प्रत्येक व्यक्ति तक. अगर आप भी नवयुग की इस आध्यात्मिक क्रांति में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करिए. आइए मिलकर पहुंचाएं घर घर में सत्य का दर्शन. Fantastic. So, before anything, I would like to thank Blessings team. अगर आपने अभी तक जो पत्री जी स्पीक्स का आपने देखा है, जब भी सर ने इंग्लिश में बात किया है उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं बोल सकती हूँ 100% has been done by the Blessings team. मतलब इसके लिए thank you भी is not enough.
रियली, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन हम बोलते हैं 5 वीडियोस है ट्रांसलेट करने के लिए, सब रेडी हो जाते हैं. विच इज ओके, आई पिक अप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. आई लव इट, सच अ ब्यूटीफुल जोश. एंड इसी के साथ पब्लिक अनाउंसमेंट, हम सारिका मैम की आत्मा की यात्रा के लिए क्रेविंग हो रहे हैं, बहुत लोगों ने लिख लिया है. तो अभी हम अभी ये इस पब्लिक मंच पे मैं खुद घोषणा कर रही हूँ कि दिस इज टू मच. मैं आप ये नहीं जान सकते हैं कि हमने कितने बार, तो अभी इस द्वारा मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट सभी का समय है, लेकिन समय अब हर एक मास्टर प्लीज आगे आइए. आप सभी का मैं सबके फेसेस देख रही हूँ, अभी तक एक भी एक्सपीरियंस आया नहीं है. सारिका मैम को तो बिल्कुल ही नहीं. मैम, वी रियली वॉन्ट टू सी यू, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड हर. प्लीज प्लीज, ये जो आप ज्ञान सुनते हो ब्लेसिंग्स में, प्लीज आप थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नहीं पूरा शो ही ले लो. प्लीज आप बस ज्ञान दे दो बस. यस, इन सब स्माइल्स को हम हाँ समझ रहे हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे मैम ने कहा, हर एक पिरामिड मास्टर का कर्तव्य, हम सबका कर्तव्य, हम सभी को अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है. तो उसके लिए अलग अलग शोज का नाम बोल सकते हैं, एक रूपरेखा बना रखी है. बट बेसिक ये है कि हम सभी को अलग अलग टॉपिक्स के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करनी है. तो मतलब मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि क्या 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 है. सबसे पहले, जैसे आप काफी सभी लोग काफी समय से ध्यान कर रहे हैं, एक इंटरव्यू फॉर्मेट है, हम है PSSM, आपके ही शहर में आई एम श्योर बहुत सारे जो ब्लेसिंग्स परिवार है, हर एक शहर में क्लस्टर बना हुआ है जहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे. तो हम शहर शहर में, जैसे अभी हमने लेटेस्ट किया था महाराष्ट्र में, हमने बॉम्बे पुणे में, क्योंकि उस समय पे जो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस कवर कर सकते थे, हमने करने की कोशिश की है. तो आपने देखा ही होगा पोस्टर्स कि भाई महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में पुणे और बॉम्बे हम जा रहे हैं, ये डेट्स है, तीन तीन चार चार दिन एक एक शहर में हम पिरामिड जो हमारे कैमरामैन है वो रहे थे, और एक प्रोड्यूसर भी साथ में था, ताकि एक्सपीरियंसेस जो मास्टर्स के हैं वो सबके रिकॉर्ड होने चाहिए, सबका इंटरव्यू, जो भी एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए. तो सबसे पहले वो शो का नाम है हम है PSSM, प्लीज उसके लिए आइए. उसके साथ साथ किसी का भी जो नॉन वेजिटेरियन थे वो और वो वेजिटेरियन बने, तो एक शो है अहिंसा, जो अभी तक लॉन्च आपने देखा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स है जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और आगे आना है, इसलिए अभी तक हमने शुरू नहीं किया. तो प्लीज जो नॉन वेजिटेरियन, बहुत ही इमोशनल स्टोरीज होते हैं, क्योंकि सभी का एक्सपीरियंस है. यस मैम, जिग्ना मैम, थैंक यू, आपका एक्सपीरियंस, वी कैन सी इट, थैंक यू. मैंने ओवरऑल में जोश देने के लिए बोला, किसी का भी नहीं है, आपका देखा है हमने. तो उसके साथ साथ मास्टर्स हैं, जो मदर्स हैं, जिनके बहुत सारे स्टोरीज हैं ऑफ मदर्स, जैसे कि ध्यान से पहले एक तरीके का हम बर्ताव करते थे, एक पावर हम दिखाते थे अपने बच्चों पर, एक तरीके का जो भी अज्ञानता या जो भी हमें पता था, हमारे कंडीशनिंग से हमने बच्चों के साथ किया या उनके साथ जो समय बिताया, अब ध्यान के बाद जो परिवर्तन हुए वो आपको शेयर करना है. तो शो का नाम है माँ हो तो ऐसी. तो प्लीज मास्टर्स जो हैं तैयार, हम अगर आप चाहते गूगल फॉर्म, जैसे ब्लेसिंग्स परिवार के लिए हम एक स्पेशल गूगल फॉर्म बना लेते हैं, अगर यही हम शो टिक मार्क कर दें, अगर आप उसमें आप समझते कि आप हैं, तो आप प्लीज उसमें आप करिएगा और हम आपको कांटेक्ट करेंगे जो शहर में, क्योंकि माओ तो ऐसी तो चलते रहते हैं, हर एक हफ्ता हम लोग ढूंढते रहते हैं. सभी जो प्रोड्यूसर बैठे हैं वो पूछते हैं, मैम कोई है क्या शहर में? मैंने बोला, मैम मास्टर्स प्लीज एक्टिवेट. तो मैंने सारे का मैम को लिख के दिया, मैम प्लीज इतने सारे लोग, इतने सारे मास्टर्स, इतने सारे स्टोरीज है, वो सब आ जाए ताकि और लोग ट्रांसफॉर्म हो जाए. तो वो है माओ तो ऐसी. दूसरी चीज है संसार में निर्वाण. तो बहुत सारे कपल्स हैं. सबसे पहले तो सार का मैम सत्यम सर का करो यार, टाइम दे दो भाई. वोट्स मैम महा बिजी है, वो तो एक समय भी मुझे नहीं लगता कि मैम पता नहीं कैसे मैसेज भी करती हैं. तो बट थोड़ा और भी इस तरफ पे आप सभी मास्टर्स अपना समय प्लीज दीजिएगा. तो आपका जो अनुभव है जो एज अ कपल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संसार में रहते हुए हम निर्वाणी हैं, तो जो एक्सपीरियंसेस आप इस डायरेक्शन में आप शेयर कर सकते, जो मास्टर्स प्लीज आगे आइएगा. उसके साथ साथ जैसे हम, आपने देखा होगा कि पत्री जी, हरे देखा क्या है, आप जानते हैं PSSM का प्रिंसिपल है आध्यात्मिक विज्ञान, सभी के हमें सीखना चाहिए. तो एक नया शो है संगम, जिसमें हम जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, बाहर के गुरुज हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो सकते हैं, उनको हम इंटरव्यू करें, ताकि जो हम ये कोलैबोरेशन बोलते हैं ना दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एक इंटरव्यू, देखो मीडिया का जमाना है,
जब हम PSSM को बाहर दिखाएंगे वो तो बोलेंगे हाँ आ जाओ ध्यान सेशन, तो हमारे पास ध्यान है, क्या बताएंगे हम, वो लोग ध्यान के लिए कुछ नहीं. बट अगर उनका विजडम हमारे चैनल पर आ जाए तो उनके लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि सर्च तो सभी करते हैं. तो वो चीज है, ताकि दैट इज संगम. तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है, ताकि मास्टर्स इसका फायदा उठा सके. कि हर एक मास्टर चाहते तो है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते तो है, लेकिन समझ में नहीं आता कि किस पॉइंट पे हम आ सके, यू नो. तो ये भी देखिएगा कि वो मास्टर हमने प्रॉपरली रिसर्च किया हो, उनके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल सही हो, बिल्कुल उसी के बाद ही आइएगा, क्योंकि रिसर्च आपके हाथ में है, काम हम आपके सहयोग करेंगे. आप प्लीज ये मत रखिएगा कि इमीडिएटली कल बोला है कल हो जाएगा, परसों बोला है या इस महीने के आखिरी में बोला, ऐसा मत कीजिएगा. प्लीज हमें समय दीजिए, हम इंडिया बहुत बड़ा है, हम जरूर, क्योंकि अभी तक हमारे दिल्ली में, आपको प्रैक्टिकली आप सभी परिवार है तो मैं बता सकती हूँ, दिल्ली में हमारे कैमरामैन है, दो कैमरामैन है, जो दो स्टूडियोज में जो जो मास्टर्स दूर दूर से आते हैं उनको हम करते हैं, या क्योंकि अगर हम फिजिकली नहीं ऑनलाइन में करने की कोशिश करते हैं तो वो है. तो अगर कोई दूसरे शहर में हम कॉन्टैक्ट करने का समय होता है, थोड़ा सा हम बार्गेन भी करते हैं थोड़ा सा फ्रीलांसर के साथ, तो वो सब कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए करके हम एक्सपीरियंस मतलब क्या बोलते हैं आगे बढ़ते हैं. तो वो है. तो आप प्लीज आप कोऑपरेशन सभी मास्टर्स का रहे. दूसरी चीज है मेरी कलम, जो मैं आउटसाइड ऑफ PSSM के लोगों की बात करी, वो मेरी कलम, यानी जो ऑथर्स हैं जो आउटसाइड ऑफ PSSM है, हमारे ऑथर्स जो हैं, यानी जो जो मास्टर्स ने बुक्स लिखे, अगर और कोई है जो हम जानते नहीं जो पिरामिड, हमारे हिसाब से हमने मोस्टली कवर कर चुके हैं पिरामिड मास्टर्स की बुक्स, अगर नहीं कवर किया प्लीज बता दीजिए. कोई बुक्स हैं पिरामिड मास्टर्स की जिन्होंने खुद लिखी है किताब, तो वो हम जरूर कवर करें. एक इंटरव्यू फॉर्मेट है, आधे घंटे का शो है, जहाँ पे हम उस जर्नी, जब लिखने का जो जर्नी है वो, और दूसरी बात कि जो बाहर के ऑथर्स हैं, जैसे आपने आनंद करनेश जी को देखा है, वो आउटसाइड ऑफ PSSM के थे, लेकिन जब उनका जो बुक के द्वारा वो PSSM में जुड़े, वो खुद भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में जाने, खुद ये जो विजडम है सभी तक पहुंचा, और यू नो सब साथ में जुड़ रहे हैं उस वे में. तो मेरी कलम के द्वारा हम ऑथर्स जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल साइंस के रास्ते पर है, या उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, जो सबसे पहला तो मेन चीज है वो शाकाहारी होनी चाहिए, तभी चैनल पर उसका वो क्या है एंट्री, वो सर्टिफिकेट पॉइंट है, शाकाहारी होना चाहिए. तो आप वो बैकग्राउंड चेक अपने तरफ से जरूर कीजिएगा. जो संगम में भी ये देखिएगा कि शाकाहार प्रमोट करता तभी हम चैनल पर, क्योंकि हमारा शाकाहार अमृताहार, हमने अहिंसा को पहले गाना ही वही चलाया, अपना फंडा बहुत क्लियर है. यस मास्टर्स, तो आप और जो मास्टर्स आप सभी जानते होंगे, जो भी पॉजिटिव समाचार है, अभी एज ऑफ नाउ शो नहीं बना है, पहले शो होता था. नंबर ऑफ मास्टर्स जितना ज्यादा हम क्लासेस ले सके उसको हम एक शो बना देंगे. अभी एज ऑफ नाउ क्योंकि स्केल हम जो बढ़ रहे हैं, तो अभी हम पॉजिटिव समाचार को सोशल मीडिया में एक तूफान मचाने का काम कि ये है. तो सभी मास्टर जो काम कर रहे हैं, पॉजिटिव समाचार का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप प्लीज उस पे जुड़िएगा. एवरी 3 डेज हम एफर्ट लगाते हैं बैक एंड टीम की हम जो जो है जो काम हो रहा है एक प्लेटफॉर्म पर सबका जो है हर एक स्टेट का काम समझ में आ जाए, तो कोई जुड़ना चाहता है वो पर्सन से जुड़ सकता है, वो काम हो रहा है. सो यस मास्टर्स, दिस इज द वर्क प्राइमरी सोल्जर्स, हम सभी वॉरियर्स का काम है. कि ये एक्सप्रेशन, क्योंकि ये जो इट्स अगेन लाइक वी शेयर्ड दैट एक एक्सपीरियंस जिंदगी बदल सकता है. सो एज सून एज यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर हार्ट, दैट इज बिकॉज एवरीवन इज हियर फॉर दैट पर्पस. या बट ये तब होगा ना जब आप उस शहर में जाओगे. नो मैम, अभी क्या हो रहा है, जैसे मेरी कलम में दूसरे दूसरे शहर के ऑथर्स है ना, क्योंकि हम ऑथर तो हम अपने स्टूडियो में या अपने घर में नहीं, उनके यहाँ पे हो सकता है, तो बाहर के लोग का हम मैनेज कर लेते हैं. जो पिरामिड मास्टर्स है हम एक दूसरे में एक जगह पे पहुंच के कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम भुवनेश्वर या कटक में कर रहे हैं, तो हम सारे मास्टर्स मिलकर हम बोलते हैं भाई आप ये दो दिन दे दीजिए. तो हम ये भी कर सकते अगर भुवनेश्वर और कटक में बहुत ज्यादा, एक हमारे दिल्ली से ही कैमरामैन भेज के वो पूरे 3-4-5 दिन हम एक्सपीरियंसेस का रिकॉर्डिंग का प्लानिंग कर सकते हैं. तो पहले से ही हम प्लान रख लें, तो जो हम यहाँ पे प्रोड्यूसर है वो कॉल करके हर एक मास्टर का एक्सपीरियंस सुनकर क्वेश्चंस लिख लेंगे. तो मास्टर भी प्लान करके रहेगा कि हाँ यार मुझे क्या शेयर करना है. कई लोग को प्लान करना होता है, कई लोग बस फ्लो कर लेते हैं जैसा जिसको पसंद हो, लेकिन वो सुविधा सबके पास. आई थिंक देन हाउ वी कैन गो अबाउट इट इज एक गूगल फॉर्म हम बनाते हैं, ब्लेसिंग्स के सारे ग्रुप्स में हम इसको शेयर कर देते हैं. उसमें फॉर्म में सबका नाम और कॉन्टैक्ट ये सब तो रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमारे पास ऐसे ऑप्शंस रहेगा, यू इंटरेस्टेड फॉर माँ हो तो ऐसी, और शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, और यू वांट टू इंट्रोड्यूस सम अदर स्पिरिचुअल सोसाइटी, और यू वांट टू गो फॉर मेरी कलम, ये चार के अलावा और कोई है हमारे पास? आपको पूरा लिस्ट देती हूं.
पूरा लिस्ट आप दे दो, उसमें हम क्या करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस भी रखेंगे एंड देन हम लोग देखेंगे कौन से शहर में कौन सा ज्यादा, वो गूगल फॉर्म गूगल शीट आप बनाएंगे तो आपके पास सारा डेटा होगा, तो हम देख लेंगे कि कौन से शहर में ज्यादा जरूरत है, तो देन यू कैन टेक योर डिसीजन एंड सेंड द कैमरामैन। लेकिन जहां पर भी जिस शहर में भी आपका कैमरामैन जा रहा है आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि हम यहाँ अनाउंस कर दें, यहाँ हर शहर से लोग जुड़े। नहीं नहीं, डिसीजन साथ में हम सब ले लेंगे, जुड़ना है हम फिर से, अब ऐसे ही जूम में जुड़कर अगर कुछ प्रश्न है उसका भी टीम भी साथ में जुड़ेगी, तो आपको कोई सवाल है वो आपके सामने रख सकते हैं आप। yes. जवाब। तो आई होप कि आज का जो ये हम बैठ के बात किए, आई होप कि ये हमको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा और आई होप कि बहुत सारे लोग आगे आएंगे, बिकॉज आई हैव बीन अनाउंसिंग डे इन एंड डे आउट एवरी, मतलब ऑलमोस्ट कुछ कुछ दिनों में अनाउंस करती रहती हूँ जुड़ो जुड़ो। जोशना जी, निशा बताओ, माँ हो तो ऐसे के लिए मैंने कितना बार डाला है एडमिन टीम में। लेकिन हाँ बस करेंगे, सबके ऐसा है, हाँ बस करेंगे। तो अभी आपको रोज डाला है आपने कुछ पिछले कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट रोज आ रहा है मैसेज। यस, मैं एक बात बता सकती हूँ, ओके? ये फियर मत बोलो, बट एक थॉट है, ठीक है? मेरे पिताजी शास्त्री जी, हमने सोचा था जब पीएमसी की शुरुआत हुई, आपको पता है कब शुरुआत हुई, तो हमने बोला था कि भाई आप एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करो, उन्होंने बोला कि बाद में करेंगे, हमने बोला चले यार हम तो हमेशा रहेंगे, तो बाद में करेंगे, कोई बात नहीं बाद में करेंगे। तो उनका एक्सपीरियंस अभी तक है नहीं चैनल पर, आपने देखा होगा एक संसार में निर्वाण, रोक रोक कर अम्मा को फ्लाइट चढ़ना था, मैंने रोक रोक के एक संसार में निर्वाण उनसे करा लिया कि सभी मास्टर्स आप दोनों साथ में इतना प्रचार कर रहे सबको पता चले, वो भी मैंने पुश किया, हर एक मास्टर से पुश करवाया कि वो एक तो हो। तो आप ये समझिए कि हम कल हो ना हो है जिंदगी, तो ये है समय, ये है प्लेटफॉर्म, ये है एक्सेस। अगले जन्म में हम पीएसएसएम में आएंगे कि नहीं हमें नहीं पता, और ब्लेसिंग्स परिवार में होंगे या नहीं होंगे नहीं पता, तो आप ये समझिए नाउ और नेवर। तो ये मैंने सच्ची में मुझे भी लगा हम काम करने आए हैं, ये सब वीडियो मेरे लिए नहीं है, मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस, ये वीडियो में नहीं है, हम लोग पीछे बैकएंड में काम करते हैं, ये आपने कभी देखा ही नहीं होगा हमारी शक्ल, अगर आपने महायोग ध्यान को में भी आए होंगे हम ऐसे पीछे भाग रहे होंगे, यहाँ से वहां भाग रहे थे, हम कभी भी स्टेज पे अगर कोई एंकर अवेलेबल नहीं है तो हम जाके जाते थे, वरना कभी भी ऐसे लोग, आप लोग भी ऐसे ही है, ऐसे हम भी लाइट वर्कर्स, आप जैसे आप सब लाइट वर्कर्स हैं, बट समय सबका है। जब समय मुझे दिया, आपने पीएमसी हिंदी शो देखा होगा, उसमें इंटरव्यू मैंने, क्योंकि ये सब हम सैटेलाइट के लिए जा रहे थे, सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सभी को जैसे पत्री जी ऑन ग्राउंड गए थे हर एक जगह पर सैटेलाइट के बारे में बताते हुए, उन्होंने फंड की कलेक्शन वो सब काम किया। तो अब पिरामिड मास्टर्स को कैसे, एक इंडिया, वो तो दो स्टेट्स गए थे, हमें पूरी इंडिया में प्रचार करना है। अब हर एक पिरामिड मास्टर से बोला भी प्लीज आप पीएमसी हिंदी के बारे में बताइए, तो मैं खुद इंटरव्यू लिया, सच्ची में कोई और नहीं होता तो मैं हो जाती हूँ, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं है आगे आने के लिए। सब लोग बोलते गाना गाओ आगे गाओ, ठीक है कर लेंगे, बट देन आई वाज लाइक इफ यू आर प्रेजेंट राइट हियर राइट नाउ, यू आर मेंट टू डू इट। यस, देयर इज नो वन बेटर देन यू। लॉट ऑफ पीपल हैव सेड, क्योंकि ना ये सब कॉर्पोरेट में आने पर एक ना सीओओ, ये सब टैग्स आते हैं, सो कॉल्ड टैग्स हैं, अगर आप एक्चुअली देखो ऐसे हम जीते भी नहीं है, लेकिन एक बाहर के लोग जैसे हम कॉलेज जाते हैं वो दिखने के लिए, उनको दिखने के लिए, अपने को नहीं दिखना है, उनको पीएमसी में जुड़ के उनके स्टूडेंट्स को भेज के यहाँ पे हायरिंग करना है, तो कुछ तो वो मुझे लगा कि हम क्या, हम तो ये है नहीं, आप ये नहीं है, तो हम काम करने आए ना तो काम करेंगे, अभी का काम क्या है, इन अनुभव शेयर करना, ये 100% करेंगे। तो हर एक पिरामिड मास्टर, जो 117 लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं और सब ऑनलाइन जो देख रहे हैं हजारों लोग, नाउ गूगल फॉर्म पहुंच जाएगा आपके पास। यस, और यूट्यूब में अभी हमारे साथ 150 लोग हैं, अमेजिंग, और हमारे इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ। यस, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, वन क्वेश्चन, ये अपना हम है पीएसएसएम के लिए, कितने साल का ध्यान का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड माँ हो तो ऐसी, मैंने सिर्फ एडमिन टीम में दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा उसमें कम से कम 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए मैंने सबके लिए नहीं दिया था, तो इसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, बिकॉज एज अ मदरहुड के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि ध्यान में रहते हुए उसको जो हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है,
तो जरूर हमने पढ़ा हो, ज्ञान पाठ है, लेकिन फिजिकल एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 to 4 years होना चाहिए फॉर माँ हो तो ऐसी. हम है PSSM के लिए, यू कैन बी 1.5-2 years प्लस एक्सपीरियंस हो सकता है. तो या तो मतलब अगर आप एक एपिसोड आधे घंटे का होता है और अगर आपको लगता है नहीं मैं उससे ज्यादा बोलना चाहती हूँ तो 2 episodes जस्ट half an hour and half an hour part 1 part 2 जैसे जाए ताकि कैप्सूल विजडम हो. मैं एक ऐड करना चाहती हूँ. हम क्यों कैमरामैन के ऊपर एम्फेसिस डाल रहे हैं, क्योंकि ना सैटेलाइट चैनल पर एक स्टैंडर्ड, जैसे नेटफ्लिक्स में अगर कोई भी मूवी बनती है ना तो नेटफ्लिक्स के प्री अप्रूव्ड एक लिस्ट ऑफ कैमराज होते हैं कि आपको इस ग्रेड का ही कैमरा यूज करना है या इस ग्रेड के लाइटिंग्स ही यूज करने हैं, तभी वो अप्रूव करते हैं आपका प्रोडक्शन भी. सेम इज फॉर अ टेलीविजन चैनल के लिए भी सर्टन गाइडलाइंस होते हैं कि किस लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ कंटेंट बनाना होता है. यूट्यूब में चल जाता है बट बिकॉज हम एक टीवी चैनल है, नहीं तो हम जूम में बैठ के ही सारे एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं, बट बिकॉज टीवी चैनल पे ये सर्टन क्राइटेरिया है हमें अपलोड करने के लिए, हमें अपलिंक और डाउनलिंक करने के लिए, इसलिए वी नीड दोज ग्रेट कैमराज. तो हमारे जो जैसे अमूल्या बोल रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल कटक अभी थोड़ा नेटवर्क बन गया है कि हर शहर में, जैसे अगर हम कटक में देखें तो हमारे कैमरामैन लोकल, वहां पर ही लोकल पीएमसी हिंदी के स्टाफ नहीं होंगे वो, बट वो वहां के लोकल कैमरामैन होंगे जो पीएमसी हिंदी को सपोर्ट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ऐसे हर शहर में, थोड़े बहुत शहरों में ऐसे आइडेंटिफाई कर रखे हैं. सो दैट इज हाउ इट इज पॉसिबल. सो जो नहीं है और दिल्ली के आसपास है, तो आई वुड सजेस्ट आप पूरा एक दिन ट्रिप, जैसे मैंने ज्योतना मैम को बोला, मैम आप जयपुर में रहते हो, दैट्स लिटरली 3-4 hours अवे. जो भी पंजाब हरियाणा राजस्थान के आसपास रहते हैं, 4-5 hours का ड्राइव है आपका दिल्ली से, प्लीज कम स्पेंड द डे इन द स्टूडियो एक्सपीरियंस. आप स्टूडियो में, आप ऑफिस आएंगे तो बैठ के आप खाना भी खाएंगे हमारे साथ, यू विल एंजॉय द मील. आपको पिरामिड में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आप ऑफिस में बैठ के अखंड ध्यान भी कर सकते हैं while you prepare and give your experiences. So it will be a day out for you. So please explore that. Yes. Yes, ma'am. That's what submission. Ab ball, kya hai? Ball aapke court mein hai. The ball is in your court. Yes. So thank you so much, Amulya Alekhya. Thank you so much for the powerful meditation, for all this, matlab, powerful energy jo yahan par aakar aap share ki ho. अमेजिंग. तो हम इसको और देर नहीं करते हैं, आज ही आप गूगल फॉर्म आजकल में आप दे दीजिए, हम करते हैं. एंड इसके बाद अगर हमको लगता है किसी के कोई क्वेश्चंस है तो एक दिन आप और आ जाइए. तो यस, ओवर टू यू जोशना जी एंड रिगना जी. और किसी के कुछ प्रश्न है तो प्लीज आप लोग हैंड रेज कर दीजिए. वंदना आंटी, आप कुछ बोलना चाहिए तो. थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वंदना आंटी, हम आपके से जरूर कुछ सुनना चाहेंगे, प्लीज ओवर टू यू. बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच. इतना पावरफुल मेडिटेशन था और इसके बाद आपने जो नॉलेज शेयर किया, इंफॉर्मेशन शेयर किया, वो बहुत बहुत ही हेल्पफुल है मेरे ख्याल से. ये जो बेसिम टीम में जो सब यहाँ है ना जुड़े हुए हैं, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये. और हम लोग आगे आएंगे, बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं. मैं बंगाली सेशन संभाल रही हूँ क्योंकि पत्री जी ने बोला था आप बंगाल में जाओ, बंगाली सेशन संभालो. इसलिए पहले मैं दूसरे कलकत्ता में थी, अभी मैं शारिका शराफ के साथ आई हूँ, वहां ज्वाइन किया हूँ. शारिका के साथ मैं पहले दिन से हूँ ब्लेसिंग में. She is the senior most. तो हम लोग बहुत खुश है आप लोग का. और हमारा वो बांग्लादेश में भी जा रहे हैं, आप बांग्लादेश से भी ज्वाइन किए हैं, वहां भी वो लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम लोग के साथ. तो ये भी पत्री जी का ही वो था, मार्गदर्शन था, उन्होंने बोला था आप बांग्लादेश में जाओगे. तो मैंने सोचा सैटरडे संडे को, मतलब इस वीकेंड में हम पाकिस्तान के मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो अगर आप बांग्लादेश के मास्टर्स का भी हम कर सके तो दैट विल बी वंडरफुल. वेरी नाइस. लेकिन एक दिक्कत है, उन्होंने हिंदी नहीं जानते, बंगाली में बोलते हैं ना वो लोग, तो प्रॉब्लम भी मिल जाए काफी अपने को. या दैट इज द प्रॉब्लम. लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोग का जो विजडम हमने सब सुना है. थैंक यू सो मच.
आप लोग आए हो यहाँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को मेरे तहे दिल से. थैंक यू. तो वो सॉन्ग प्ले करें अभी, उसी के साथ में हम सेशन का अंत करेंगे. यस जिग्ना आप प्ले कीजिए. एंड फ्रेंड्स आप अपने वीडियोस को भी ऑन कर सकते हैं, हम गैलरी मोड पर रखेंगे और हम सभी झूमेंगे इस गाने पर. वॉल्यूम फुल कर दीजिए जिग्ना. चेहरों पे खिली मुस्काने, सत्य को घर घर पहुंचाने, ओ धरती पर लाने, खुद को पहचान कर जान ले, दुनिया है घर तय कर अपना सफर, खुद की भी ले खबर, ओ बेखबर कर दुनिया को राशन. बदले जीवन घर घर में सत्य का दर्शन, पीएमसी हिंदी बदले जीवन घर घर में सत्य का दर्शन. इसी के साथ हम सबको अनम्यूट करें और जोरदार तालियों के साथ में आज का सेशन का समापन करें. फ्रेंड्स अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, हम गैलरी व्यू में रख रहे हैं. थैंक यू सो मच अमूल्या, आलेख्या एंड द एंटायर पीएमसी हिंदी टीम एंड एंटायर ब्लेसिंग्स परिवार. सभी को अनम्यूट करते हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच अमूल्या. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू अमूल्या. थैंक यू.